हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ये ओरिएंट पंखे की अनबॉक्सिंग, जो कि सीके बिरला ग्रुप की तरफ से आता है। ये कुछ इस तरीके का सिग्निफिकेंट ऑरेंज कलर है। ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया हुआ है और इसका प्राइस आप देख सकते हो 1300 रुपये है। मेरे को ये कुछ पॉइंट्स की वजह से सस्ता मिल गया है, वरना ओरिजिनल प्राइस का 1500-1600 रुपये है। तो ये सिग्निफिकेंट ऑरेंज कलर के अंदर आता है। कुछ इस तरीके की स्ट्रिप्स लगी हुई है, ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। ये कुछ चीजें लिखी हुई है इसके अंदर ऊपर, और सामने की तरफ से कुछ ऐसा है। यहाँ पे ब्राउन कलर का मॉडल बना हुआ है, साइड में सीके बिरला ग्रुप है, क्यूआर कोड है, उस पर व्हाइट लिखा हुआ है, सुपर ब्रांड है। नीचे उजाला एनर्जी सेवर 1200 mm की इसकी ब्लेड्स है, और नीचे की तरफ से कुछ ऐसा है, टेप लगी हुई है, प्लेन है, और पीछे की तरफ से भी ऐसा ही है, सेम टू सेम बना हुआ है। और साइड में देखते हैं, साइड में इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। ओरिएंट इलेक्ट्रिक सेवर, स्विच टू स्मार्ट, फुली कॉपर मोटर, एल्युमिनियम ब्लेड्स, लो पावर कंजप्शन, सुपर फाइन पेंट, एयर स्वीप 1200 mm, और कुछ इसके मॉडल का नंबर लिखा हुआ है साइड में। तो ये कुछ इतना ही है इस तरफ। तो दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ इसके काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है ये। उजाला एनर्जी सेवर इसका नाम है, 1200 mm ड्राइवर है, और ये 50 Hz 1 फेज का है, और इस पर प्रिंट रेट ये देख सकते हो 2100 रुपये है, और ये अप्रैल 2021 का मॉडल है, वाइट कलर में मैंने मंगवाया है। तो ये कुछ इस तरीके से इस तरफ लिखा हुआ है, और बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है वो भी कंटेंट इसके अंदर लिखे हुए हैं, वो अपने आगे अनबॉक्सिंग के अंदर देखेंगे। तो इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पे ये स्ट्रिप सी लगी हुई है, उजाला से इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है इस पर, तो इनको काटना होगा हमें। तो सीजर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लो, कटर भी ले लेंगे। तो पहली स्ट्रिप काटते हैं, ये थोड़ी टाइट है कटने में, ये काट लेते हैं इसको, और दूसरी वाली काटते हैं। तो दूसरे वाले भी ये सेम ही है, इसको भी काट देते हैं हम, और ये काट लिया है। तो इनके ये स्ट्रिप्स को निकालते हैं बाहर। तो ये सामने की तरफ ये एनवलप लगा हुआ है, ये इसका बिल होगा शायद। तो ये साइड में टेपे लगी हुई है, पहले ये काटनी होगी। तो इसको काटते हैं हम कैंची से। तो ये बड़ी आसानी से कट चुकी है, दोनों तरफ से ऐसा ही है ये, सेम टू सेम। और ये टेपे भी ओरिएंट लिखा हुआ है, इन टेप के ऊपर भी ये ट्रांसपेरेंट सी टेप है, इनको निकालते। तो ये फ्लिपकार्ट वाले बाहर से अपना कोई पैकेट लगा के नहीं भेजते, अगर कोई बड़ी चीज़ मंगवाते हैं तो। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मैंने फ़ैन मंगवाया था, इन पे फ़ैन पे इन्होंने लगा के ही नहीं दिया अपना कवर, इस पे तो सिर्फ ये अपना बिल लगा के चिपका के दे दिया ऊपर ऊपर से, और कुछ भी नहीं दिया। पर चलो जेन्युइन भेजा इन्होंने, बाहर से स्ट्रैप्स लगी हुई थी, मतलब ये ओपन तो नहीं था, जेन्युइन था। तो ये इस बिल तक पहुँच चुके हैं। तो बिल के आर पार कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट सी टेप सी चिपकाई हुई है पूरे ऊपर कवर करके, ये थोड़ी मुश्किल है फाड़नी, इसको भी निकालते हैं। तो ये एक ब्राउन सा एनवेलप सा दिया हुआ है इसके अंदर, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे। ये एनवेलप को फाड़ के देखेंगे, अंदर शायद बिल होना चाहिए इसके। तो ये बाहर टेप से फाड़ लेते हैं, पूरा ऊपर से टेपिंग करी हुई है इसकी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का ये एनवेलप है, इसके अंदर क्यूआर कोड लिखा हुआ है, इसमें चीज़ें दी हुई है। तो पीछे की तरफ से यूँ फाड़ते हैं इसको, तो ये देखिए ऐसे एनवेलप सा है। अब इसके अंदर बिल देखते हैं, तो ये वाइट कलर का कुछ ऐसा कागज सा है, पतला सा, इसके अंदर देखते हैं बिल। तो ये ऊपर से कुछ इस तरीके का आता है, फ्लिपकार्ट का थोड़ा अलग डिज़ाइन आता है। तो ये इसका देख लेते हैं प्राइस ओरिजिनल क्या है। तो ये 1185 का है ये, तो 198 रुपये इस पर GST लगी हुई है, तो ये 1300 रुपये का पड़ा है मेरे को। तो इस बिल में इतना ही है, तो इस बिल को साइड रख देते हैं और मेन हमारे बॉक्स को खोलना शुरू करते हैं। तो थोड़ी बहुत टेप इसके नीचे बची हुई थी वो भी निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का कार्टून सा रखा हुआ मिलता है, जिसके ऊपर ओरिएंट की टेपें लगी हुई है, और यहाँ पे कुछ मैनुअल इंस्ट्रक्शन है, इसको कनेक्ट कैसे करना है और इसके कैप्स कैसे, वो मैं आपको असेंबलिंग वीडियो में बताऊँगा। ये अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है, इसकी असेंबलिंग वीडियो अलग से आएगी। तो दूसरी तरफ भी इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कैसे इसको कनेक्ट करना है, कैसे इसकी पिंस लगानी है, कौन सी नट को कैसे टाइट करना है, कैसे हैंग करना है, ये सारी चीज़ें बताई हुई है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा असेंबलिंग वाली वीडियो में। तो ये इसको खोलते हैं, तो कुछ इस तरीके के पैकिंग आती है, ये ख़राब ना हो इसलिए इस तरीके के बॉक्सेस लगे हुए हैं साइड से शिपिंग के टाइम में। तो ये हमारे को निकाल देते हैं इनको साइड में। तो पहले ब्लेड्स को निकालते हैं, इसमें ब्लेड होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसके अंदर ब्लेड्स ही है, थोड़ा हल्का इसका वजन है, वाइट कलर की यहाँ पे लिखा हुआ है ये, दूसरी तरफ से वाइट है, टेप लगी हुई है। तो इस टेप को खोलना शुरू करते हैं, तो दोनों तरफ इसमें टेप दी हुई है, इनको हटाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से काट लेते हैं इन टेप को, और दूसरी तरफ से भी काट लेते हैं। ये थोड़ा अलग से टाइप से लगी हुई आई है, ये साइडवेज खुलता है, ऊपर वेज नहीं खुलता, मतलब साइड से इसमें ब्लेड निकलेगी। तो इसको निकालते हैं, तो ब्लेड कैसी होती है इसके अंदर देखते हैं। 3 ब्लेड्स का सेट आता है इकट्ठा ही इसमें,
ये ब्लेड कुछ इस तरीके से है, ये नीचे वाला पोर्शन है शायद इसका, ऊपर से ये कवरिंग आती है और इसमें ये भी लगा हुआ आता है जैसा कि देख सकते हैं, रबर बैंड। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो बॉक्स को साइड में रख देते हैं, मेन हमारी ब्लेड्स पे आ जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के रबर बैंड लगे हुए हैं इसके अंदर दोनों तरफ से, और कुछ लिखा हुआ भी है इनके ऊपर, तो मैं आपको आगे वो पढ़ा देता हूँ। तो ये इस पे लिखा हुआ है कि ये माइक्रोन कौन सा है और ये प्लास्टिक किस तरीके का इसमें यूज़ किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग और बाय बैक है 15 रुपये के अंदर, और कुछ ऐसे डिटेल्स लिखी हुई है कि कहाँ पे ये मैन्युफैक्चर हुआ था। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं अपनी ब्लेड्स को। तो कुछ इस तरीके का सिंपल सा डिज़ाइन है इसमें, ये लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी नहीं है, ये मतलब पतला एल्यूमिनियम इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ये कुछ इस तरीके के कुशंस भी दिए हुए होते हैं कि स्क्रैच ना पड़ जाए इस पे। तो ये कुछ इस तरीके के हैं, तीनों को देख लेते हैं, आप भी चेक कर लेना कि कहीं से डैमेज वैमेज तो नहीं है, वरना वापस कर देना। तो ये कुछ इस तरीके के ब्लेड हैं, इनको साइड में रख देते हैं। तो ये बॉडी को निकालते हैं, दूसरा बॉक्स, इसमें शायद बॉडी होनी चाहिए इसकी। तो ये कुछ इस तरीके का बॉक्स है, इसको बाहर निकालते हैं। तो ये थोड़ा हैवी है, इसके अंदर बॉडी हैवी है शायद, इसलिए थोड़ा भारी है ये बॉक्स को निकालना। तो इस पे भी टेप लगी हुई है, तो इसकी टेप को काट लेते हैं पहले। बड़ी आसानी से ये कट चुकी है, ये थोड़ी सी लोकल सी टेप लगाई हुई थी इनकी, सस्ती सी सेलो वाली टेप नहीं इस्तेमाल करते। तो ये बॉक्स खुल चुका है, इसके अंदर सबसे ऊपर हमारे यहाँ पे ये एक ब्लेड सी पड़ी दिखती है लोहे की। तो ये कुछ इस तरीके से पैकिंग आती है, इसके अंदर कप भी है, कप भी दिख रहा है, और बॉडी भी नीचे रखी हुई दिख रही है, कुछ इसके स्क्रूज वगैरह भी दिख रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके लोहे की ये आती है इसमें पैकिंग में, इसको बाहर निकाल। तो ये शायद हैंग करने के लिए होती है, तो ये बॉडी पे लगती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं जैसे बता चुका हूँ, ये आपको असेंबलिंग वाली वीडियो में बताऊंगा, ये अनबॉक्सिंग वीडियो है, थोड़ी हैवी भी है, तो इसको साइड में रखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का कागज़ सा भी आता है इसके अंदर, और ये कप्स भी आते हैं दो, ये भी सेम पैकिंग के अंदर आते हैं, इन पे भी ये सेम चीज़ें लिखी हुई है कि ये 15 रुपये में खरीद लेंगे 1 किलो बैग वगैरह वगैरह। तो इसको भी साइड में रखते हैं। ये कप्स है दो, एक पे ओरिएंट लिखा हुआ है और एक पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये कैसे लगाना है वो भी मैं आपको आगे असेंबलिंग वाली वीडियो में बताऊंगा। तो इसको भी साइड में रखते हैं। मेन बॉडी पे आने से पहले यहाँ पे कुछ इसके नट्स वाले भी बॉक्स भी दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें काट लेते हैं इसको भी। तो ये काटते हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे ये नट वगैरह दिए हुए हैं इनको कनेक्ट करने का, ये लटकाने वाला है शायद और ये ज्वाइन करने वाला है इसकी पाइप को इससे बॉडी से। तो इनको साइड में रखते हैं, इनका भी बाद में देखेंगे क्या है, और बॉक्स में से निकालते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की बॉडी है, इसके अंदर यहाँ पे सेल भी लगा हुआ है, तो ये कुछ हैवी है, तो इसको बिना फॉर्म के ना रखें। इसके अंदर एक चीज़ और भी रखी हुई है, एक यूँ छोटा सा कागज़ सा भी है, इसको भी देख लेते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है, मैनुअल है शायद ये। तो ये इस कार्ड है यहाँ पे, इसके ऊपर लिखा हुआ है काफ़ी सारी चीज़ें कि यहाँ पे हमारे सर्विस सेंटर है, और पीछे की तरफ QR कवर दिया हुआ है, और वारंटी के लिए नेम और मॉडल नंबर और लिखने के लिए दिया हुआ है। तो इसको साइड में रख देते हैं, ये हमारे अभी कोई काम का नहीं है। तो मेन इस पे निकाल लेते हैं फॉर्म को, आप बिना फॉर्म के बॉडी को नीचे ना रखें, ये पॉलीथीन का था इसलिए मैंने इसको नीचे रख दिया था। तो आप ऐसा ना करें वरना स्क्रैच पड़ सकता है। तो यहाँ पे रबड़ भी लगे हुए दिए हैं इन्होंने जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इस थैली को भी बाहर, थैली से बाहर निकालते हैं इसकी बॉडी को। तो कुछ इस तरीके की वाइट कलर की बॉडी है, साइड में गोल्डन लाइंस चलती है इसके अंदर। तो इस थैली को भी देख लेते हैं, तो पॉलीथीन पे भी ये सेम चीज़ें लिखी हुई है कि इसमें 15 रुपये का बाय बैक है, 50 माइक्रोन का है, ये सेम चीज़ें लिखी हुई है सब पे। तो ये कुछ इस तरीके से फ्रीली मूव होती है, ये बड़ी स्मूथ मूव होती है, नई है इसलिए। और यहाँ पे कुछ स्लिप चिपकी हुई है, इस पे लिखा हुआ है नाम, मॉडल नंबर 50 हर्ट्ज़ का है ये, और यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है स्कैन करके, इसकी ऐप उप डाउनलोड करने का कुछ है। तो ये कुछ इस तरीके का है, ऊपर से दिखता है यहाँ पे, और एक स्क्रूज कहाँ पे लगाने हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, जगह दी हुई है। तो इसके सेल पे क्या वो लिखा हुआ है नंबर, ये भी देख लेते हो, ये तो 2.5 μF का है, आप देख सकते हो सेल। तो ये रजिस्टर कुछ इस तरीके से, सेल बोलते हैं कई, रजिस्टर बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो इसको वापस लगा देते हैं, अगर ये आपका खराब पंखा स्लो चलने लग जाता है तो वो इसकी वजह से होता है। अगर आपको देखना है तो कमेंट करके बता देना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा जल्दी। तो ये 370 RPM का आता है, ये थोड़ी कम RPM है नॉर्मल पंखों से, तो आपको इसमें हवा कम भी लग सकती है अगर आपको बड़े रूम में लगाना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और असेंबलिंग वीडियो आपको आ चुकी होगी, आई बटन में लिंक देख लेना। और अगर आपको इंस्टॉलेशन वीडियो चाहिए तो वो कमेंट करके बता देना, वो मैंने अभी तक बनाई नहीं है। तो असेंबलिंग वीडियो जहाँ जहाँ से एंड हुई है वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।